ओए माय गॉड, संतोष भारत माता की जय। रास्ता ढूंढना पड़ेगा, यहाँ से मेरी बस की नहीं हो रही भाई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आपका स्वागत प्रणाम है घांगरिया विलेज गोविंद धाम से। तो भाई मैं बता देना चाहता हूँ, आज हम जाने वाले हैं फूलों की घाटी, जो विश्व धरोहर कहा जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज वैली ऑफ फ्लावर्स। और मैं समअप कर देता हूँ यार अपनी समरी, कैसे मैं गोविंद घाट आया, फिर पोलना गांव अपना है, फिर घांगरिया विलेज जो कि मैं परसों आ चुका था, और अब आज जाने की तैयारी है खूबसूरती देखने के लिए और प्रकृति के बीच नज़ारों का आनंद लेते हुए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो भाई फूलों की घाटी 4 किलोमीटर दूर है विश्व धरोहर, ठीक है। तो यहाँ से तो श्री हेमकुंड साहिब जाते हैं और यहाँ जाते हैं नंदन कानन फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स का रास्ता कुछ ऐसा। लिटरली जैसे एंटर करो फूलों की घाटी प्रवेश द्वार पे, और आपको यहीं से ग्रीनरी और खूबसूरती प्रकृति गोद में दिख जाएगी। ये देखिए, जंगलों के बीच चलना, प्रकृति के बीच एक अलग ही सुकून होता है, और इसी शांति जगह में जो है ना सुकून है भाई। तो भाई आते ही आपको फूलों की घाटी का जो गाइड ऑफ वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क का रोड मैप आपको दिखेगा, कैसे कहां से चेक पोस्ट है क्या नहीं है, ए टू जेड। और यहां पे कुछ बोर्ड भी लगे हुए हैं, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे चेक पोस्ट है, तो यहाँ पे सारे फ्लावर्स के आपको नाम, इतनी वैरायटी के लगभग 600 वैरायटीज के फ्लावर्स यहाँ पे होंगे। पता नहीं दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, अभी पीक सीज़न नहीं है। पीक सीज़न होता है 15 जुलाई टू 15 अगस्त, या पूरा अगस्त का आप मान सकते हो। देखिए कुछ ऐसा आपको चेक पोस्ट मिलेगा यहाँ पे, आपको मैं बता दें, अगर इंडियन सिटीजन हो आप तो आपकी फ़ीस होगी पर पर्सन 150 रुपीज़, अगर फॉरेन कंट्री से हो, आउट ऑफ कंट्री हो, तो आपका 600 रुपीज़ पर पर्ची कटेगा। स्टार्टिंग से सिर्फ अभी 400 मीटर दूरी पे और इतने प्यारे फ्लावर देखने को मिल रहे हैं ना भाई। भाई पहले मैं बता दूं, फूलों की घाटी तो पहुंचे नहीं है, बट यहीं से इतनी खूबसूरत वादियां दिख रही है। और पहले फूलों की घाटी को भ्यूंडार वैली के नाम से भी जाना जाता था, जो कि अपने गांव का नाम है भ्यूंडार वैली। लोकल लोग आते थे और ग्रेजिंग करवाते थे अपने जो बकरी है, गाय है, भैंसे है। और 1931 में जो पर्वतारोही रहे हैं, जो कि माउंट कॉमेट एक्सपीडिशन में गुम हो चुके थे, खो चुके थे वापसी आते हुए, तो ऐसी ऐसी भटकते भटकते वो इस घाटी में पहुंच गए। जो फूलों की घाटी में पहुंच गए, उसके बाद उन्होंने जो खूबसूरती देखी ना वर्ल्ड हेरिटेज, तो उन्होंने इस पे पुस्तक लिखी, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स। धीरे 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 इसका नाम फूलों की घाटी पड़ गया, फ्रैंक स्मिथ जिनका नाम था, और उनका हम धन्यवाद करते हैं इस। हैप्पी बर्थडे। तो भाई क्या एक्सपीरियंस है वो आपको यहीं पे आके फील होगा, प्रकृति की गोद में। पहाड़ देखिए भाई पूरे खड़े। तो भाई यहाँ से दिखता है श्री हेमकुंड साहिब की चोटी, ये देखिए चोटी, और यहाँ पे फ्रंट साइड पे वॉशरूम वगैरह सब दिख रहा है। गुरुद्वारा साहब नहीं दिख पाएगा यहाँ से, सेंटर में गुरुद्वारा साहब। वाह क्या लोकेशन है भाई, पूरी बर्फ़ पिघल गई आप देख सकते हैं रास्ते पर।
खूबसूरत वादियों के बीच प्रकृति की गोद में, और भगवान का तो हम आभार प्रकट करते हैं भाई, इतना खूबसूरत रास्ता, सुकून मिलता है यहाँ पे। आपको धूप लगेगी नहीं क्योंकि रास्ते भर में पेड़ पौधे कुछ ऐसा खूबसूरत नजारा रहता है, मजा आएगा। बस जस्ट पहुँचने ही वाला है और आधे घंटे में इतना रास्ता कवर कर दिया। सो भाई जिसका इंतजार था बस पहुंचने ही वाले हैं, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। खूबसूरती देखिए भाई, दिल खुश हो गया एकदम। भाई पहुंच चुके हैं फूलों की घाटी, वर्ल्ड पैराडाइज में। इतनी खूबसूरती भाई, इतनी अच्छी हवा चल रही है ना चारों तरफ, इतना मजा आ रहा है। व्यू तो चेक करिए भाई, इतने सारे टूरिस्ट लोग आए हुए हैं इस खूबसूरती को देखने के लिए। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी आइए और इस धरोहर का आनंद लीजिए। वर्ल्ड पैराडाइज देखिए चारों तरफ, इतना खूबसूरत, मजा आ गया भाई। तरह के आपको दोस्तों यहाँ पे इतने फ्लावर्स दिखेंगे। अभी तो ये स्टार्टिंग सीजन है भाई, अगस्त तक ऐसे ऐसे फूल दिखते हैं ना जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते, कैसे कैसे शेप के होते हैं, लंबे कांटे वाले अलग अलग, पर उनको छूना नहीं है, तोड़ना नहीं है क्योंकि आगे वाले लोगों को भी तो दिखाना है ना। तो देखिए भाई पूरा फूलों से भसा हुआ है, झरने तो भाई क्या ही बोले, खूबसूरत। भाई इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ ना, ये देखिए अपने कमर से पेट तक तो आ ही रहे हैं भाई, कुछ कुछ तो ऐसे लग रहा है कि साइज पे ही आ रहे होंगे। देखिए इतने ऊपर ऊपर है झाड़ियाँ अपने, और अगस्त में देखना भाई फुल ऐसे रहते हैं कि अपने हाइट के ऊपर, ऐसे झाड़ियों के बीच से घुस करके जाना पड़ता है। तो भाई एक और बात बता दूं, जो फूलों की घाटी है ना, जो सी लेवल है लगभग 3350 मीटर की ऊंचाई पे है, राष्ट्रीय उद्यान का जो आकार है ना वो लगभग 88 वर्ग किलोमीटर है। 2 किलोमीटर तो ये चौड़ाई है, पूरा चौड़ा 2 किलोमीटर है, और जो इसकी लंबाई है ना वो लगभग 8 किलोमीटर है। उससे आगे भी ट्रैक पड़ता है, वैसे ट्रैक तो नहीं है टिपरा ग्लेशियर का, लेकिन 8 किलोमीटर जो है लंबा पड़ता है। भाई फूलों की घाटी है ना भाई, जो इस पर्वत पहाड़ियों से ढकी हुई है, सुंदर बर्फानी पहाड़ियों से, ग्लेशियरों से, जलप्रपातों से, धाराओं और आकाश में उभरे हुए बादलों के साथ, देखे कितना खूबसूरत है। और एक डिसेंट आप कहते हैं ना मैस्मराइजिंग जो व्यू होता है, पीसफुल व्यू जो आपके जो तन मन और सोल को ऐसा कर दे, झकझोर दे, इस खूबसूरत में यहाँ आए मेडिटेशन करे, देखिए भाई कितना प्यारा लगेगा आपको। भाई यहाँ पे ना फ्लोरा ऑफ फना भाई, इतनी सारी डाइवर्सिटी है ना फ्लावर्स की, लगभग मोर देन 600 से ऊपर की प्रजातियाँ आपको दिखती है, छोटे बड़े फ्लावर, हर किसी की जड़ी बूटियाँ आप कह सकते हो, और मुझे तो लगता है इससे भी ज़्यादा होगा बट वो हमें पता नहीं। और इसको एक धार्मिक स्थान की तरह भी नज़रिए से देखे यार, क्योंकि भगवान ने ऐसी घाटी बनाई है जहाँ पे अनेकों पुष्प एक साथ मिल करके रहते हैं, तो हमें उससे सीखना ये भी चाहिए कि भाई हमने अपने जीवन में, अपने देश में, अपने भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में सबको साथ लेकर चलना है, सबको साथ मिलकर रहना है, और इन फूलों से मुझे तो यही सीख मिलती है। और दूसरी बात यार, धार्मिक स्थान का तात्पर्य ये है ना,
मैं कहता हूँ कि यार पहाड़ों में आप समझ सकते हैं देवताओं का वास है, भगवानों का वास है इन खूबसूरत पहाड़ियों के बीच, तो इसलिए धार्मिक मानना इसको, इसमें कोई संकोच नहीं है। दिल से आए और पूजा के भाव से आए, स्पिरिचुअल और इस डिवाइन एनर्जी को फील करते हुए आए। और तो भाई ये ग्लेशियर पॉइंट हुआ करता था और यहाँ पे पुल ही बह गया, पुल बनाने की तैयारी है, बाकी आगे से चढ़ के जाएंगे देख। तो भाई हमें ये क्रॉस करके जाना है, ओए ओए, तो देखिए भाई कितना खतरनाक है यार ये देखिए, ओ माय गॉड, ओए संतोष, ओए माय गॉड, संतोष ने तो नदी क्रॉस कर दी, अब मैं कैसे जाऊंगा। तो भाई संतोष ने तो नदी पार कर दी यार, मैं कैसे जाऊंगा यार, नंगे पैर जा रहे हैं भाई लोग सभी यहाँ पे देखे, अब रास्ता ढूंढना पड़ेगा, यहाँ से मेरी बस की नहीं हो रही भाई, इतना रिस्क नहीं ले सकता, इतना फोर्स है ना, मैं जाऊंगा सीधा नीचे। तो भाई ये देखिए कुछ ऐसी कंडीशन हो रही है, अभी ऐसे करके जाना पड़ा नंगे पैर। तो भाई यहाँ पे अपने छोटे भाई लोग गांव के सब पहुंच चुके हैं और देखो कैसे कैसे भाई साहब बड़ा रिस्क करके, देखे मेरी पूरा पैजामा गीला हो गया। हाउ द जोश, गुड। तो भाई जैसे इन्होंने जोश दिखाया ना अपने भाई लोगों ने, ये तो NCC के है ना, NCC में भर्ती है भाई, तो इसलिए इनको थोड़ा प्रैक्टिस हो रखी है नदी पार करने की। आप रिस्क मत ले, इसने तो ले लिया रिस्क। जैसे हमारी किस्मत में दोस्तों आज ऐसे ही झरने रहेंगे, ऐसी नदियाँ रहेंगी, देखे यहाँ पे भी पुल नहीं है, यहाँ पे मुझे लग रहा थोड़ा जूते ना भिगाना पड़े। मैंने तरीका बताने वाला हूँ, अगर आप अपनी जान जोखिम में डालना चाहते तो कैसे डालें मैं बता दूँ। तो भाई पगडंडी रास्ता बना हुआ है इस खूबसूरत सी घाटी में, वैली में, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है भाई। यार फिर से टास्क आ गया, देखो अब ये कैसे क्रॉस करना है, बता भाई कोई सुझाओ। अच्छा वहां से क्यों, वहां से कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नदी क्रॉस। तो भाई अभी तो हमने ये जंगल क्रॉस करना है, उसके पीछे है अपना रिवर बेड और यहाँ पे पता नहीं कांटे जैसे फ्लावर पता नहीं क्या है। और जब मैं लास्ट ईयर आया था लगभग एंड जुलाई और अगस्त में, भाई मतलब मेरे सर के ऊपर से ये झाड़ियाँ जा रही थी। आप भी आओगे ना तो आप भी देखोगे भाई कैसा रहेगा। भाई इस जंगल में तो डर भी लगता है कहीं भालू ना दिख जाए सामने, बहुत रिस्की वाला जंगल है, तो यहाँ से ग्रुप में आना बहुत आवश्यक है। लास्ट ईयर मैं अकेले आने की कोशिश करी थी और यहाँ से आगे नहीं जा पाया था लिटरली, तो कुछ ऐसा है जंगल ये। तो भाई पहुंचने वाले अपने डेस्टिनेशन पे, भाई साहब ये है रिवर बेड और यहाँ से टिपरा ग्लेशियर का व्यू कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए।
तो भाई ये देखिए, ये है रिवर बेड। यहाँ तक आने के लिए हमें स्टार्टिंग पॉइंट से वैली के लगभग 4 किलोमीटर आना पड़ा और टोटल गोविंद धाम घांगरे से 8 किलोमीटर। तो भाई ये है नज़ारा रिवर बेड का। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं रिवर बेड पे और इतना मज़ा आ रहा है। यहाँ पे जो हवा चल रही है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, सुकून मिल गया इतना जो ट्रैक करके मज़ा आया। अभी कुछ कुछ भाई लोग आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं यहाँ पे, देखिए पहुंचने ही वाले हैं ये देखिए। तो कुछ ऐसा नज़ारा है भाई पूरे रिवर का, देखिए। और आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, पूरी नदी हो रखी है काली, क्योंकि अब बरसात की वजह से ग्लेशियर भी पिघलना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से जो थोड़ी मिट्टी रहती है मिक्स रहती है ग्लेशियर के साथ, तो वो इरोड हो करके ऐसे मिक्स हो करके काली नदी बन जाती है। देखिए पूरा हो चुका है अपना ब्रेकफास्ट लंच जो भी कहो यार, क्योंकि ऐसे ही सुबह खा के आए थे फुल पराठे वगैरह सब कुछ। और पानी का तो यार हम पानी तो लाना भूले तो नहीं है, ख़त्म हो चुका था रास्ते में ही। तो अभी क्या कर रहे हैं कि जो थैला है कपड़ा है उसे छांट छांट करके यहाँ पे देखे विक्रांत पानी भर रहे हैं कपड़े से छांट करके बॉटल में। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं एंड और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री राम, हर हर महादेव, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह, जय मानंदा देवी, जय हनुमान जी, जय लोकपाल महाराज की।